असल डियर स्टूडेंट आई एम प्रोफेसर सैदा रबा फातिमा वी आर डूइंग यूनिट नंबर सेवन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट थ्री के कुछ और क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर वी आर गोइंग टू सोल्व ना इन विच कॉर्ड्रेंट थीटा लाए वैन साइन पॉजिटिव एंड टेन नेगेटिव सबसे पहले हम देखने ये वाले हैं कि हमारे साइन कॉज की वैल्यूज और उनके इनवर्स की वैल्यूज़ कहाँ पॉजिटिव होती हैं और कहाँ होती हैं नेगेटिव सबसे पहले तो इस चीज़ को समझते हैं उसके बाद अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे ये हमारा क्वाड्रेंट है दिस इज क्वाड्रेंट और हमें पता है हमारे क्वाड्रेंट में इस चीज़ को जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हम क्या करते यहाँ ए राइट करते हैं यहाँ एस राइट करते हैं यहाँ टी राइट करते हैं यहाँ पे सी राइट करते हैं क्यों राइट करते हैं बेसिकली हम ये शो करना चाह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ क्या होती हैं पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू और उसके इन्वर्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है बाकी सब क्या होती हैं नेगेटिव उसके बाद थर्ड क्वारडेंट में टैन और उसके इन्वर्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है बाकी सब के सब क्या होती हैं नेगेटिव उसके बाद फोर्थ क्वार्ट में भी कॉज और उसके इनवर्स की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव बाकी सब वैल्यूज़ क्या होती हैं नेगेटिव अब साइन का इन्वर्स क्या होता है साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट और टेन का इन्वर्स होता है कॉट और कॉज का इन्वर्स होता है सिकेंट तो यहाँ पे ये भी मेंशन कर दें ताकि थोड़ी सी चीज़ें हम रिकॉल करके फिर अपने क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली मूव करें तो साइन थीटा का जो इन्वर्स है वो क्या होता है कोसिकेंट थीटा याद रखने के लिए है तो एस है तो सी होगा सी है तो एस होगा इसी तरीके से कॉस थीटा का इन्वर्स क्या होता है सी है तो क्या होगा एस सिकेंड थीटा उसके बाद टेन है टेन थीटा टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है कॉट थीटा ये इनके इन्वर्स हैं अब यहाँ पे हमें पता चल गया सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं यहाँ पे सिर्फ साइन है उसका इन्वर्स टी और सी अब इस चीज़ को याद रखने के लिए कुछ स्लैंग वर्ड्स हैं और कुछ स्लैंग सेंटेंसेस हैं जो जनरेट किए गए हैं जिससे याद रहे कि ये सीक्वेंस क्या होगा वो स्लैंग स्लैंग सेंटेंसेस क्या हैं एक तो मतलब काफ़ी आप और ये ऐसी चीज़ है कि आप इसे ख़ुद भी जनरेट कर सकते हैं स्लैंग सेंटेंस या वर्ड का मतलब ही ये होता है कि हम उसको ग्रामेटिकली नहीं लेकर चल सकते कि अगर हम ग्रामेटिकली लेकर चलें कि क्या इसका ग्रामेटिकल सेंटेंस ठीक है या नहीं नो no. हम सिर्फ अपनी आसानी के लिए एक सेंटेंस बना लेते हैं जिसको हम याद रखते हैं और वो हमें हेल्पफुल होता है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसलिए हम उसे क्या कहते हैं स्लैंग सेंटेंस सो हम कौन से सेंटेंसेस को यूज करते हैं दो तीन हैं जिनमें से मैं कुछ आपको बता देती हूँ ताकि आपको जो याद रहे वो याद रखिएगा एक तो है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी फर्स्ट क्या है ऑल स्टूडेंट Take कॉफ़ी एक तो ये हो गया और दूसरा क्या है Add शुगर टू कॉफ़ी और इसको हम सेपरेटली किस तरह लिखते हैं एस पी सी याद रखने के लिए कि हमारा ए पहले होगा एस बाद में है टी फिर है फिर क्या है सी अब देखें ये दो मैंने स्लैंग वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे और दोनों ही किस लिए हैं सिर्फ इस चीज़ को याद रखने के लिए कि किस कॉर्डेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होगी और क्या चीज़ नेगेटिव होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है तो बेसिकली ए किस चीज़ को डिनोट कर रहा है ए डिनोट कर रहा है ऑल को मतलब कि सारे पॉजिटिव होंगे और इसमें ऑल है तो हमें ऑटोमेटिकली ऑल ही याद रहेगा दोनों इसी को रिप्रेजेंट करें मैं दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो एस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है साइन थीटा को और यहाँ पे टेक कट जो टी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेन थीटा को इसी तरीके से यहाँ पे जो कॉफी का सी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस थीटा को सो so, ऑल साइन टी सी मतलब वही हम बात करें ए सी टी एस के फर्स्ट में सारे रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होंगे उसके बाद सेकेंड में साइन थर्ड में टेन और उसमें कॉल सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ है एड बेसिकली शो कर रही है ऑल को कि यहाँ पे सब पॉजिटिव है शुगर रिप्रेजेंटिंग द साइन थीटा एंड टू रिप्रेजेंटिंग द टेन थीटा एंड सी प्रजेंटिंग द कॉस थीटा एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट नॉट जस्ट दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही नहीं बल्कि इनके इन्वर्स भी जहाँ ये पॉजिटिव होंगे वहाँ पर इनके साथ पॉजिटिव ही होंगे तो इस चीज़ को अगर हम समझ चुके हैं तो हम यहाँ मूव करते हैं हमने क्या बताना है हमने ये बताना है कंडीशन हमें गिवन है और हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि कौन से क्वारेंट में ये वैल्यूज हमारी लाए करेंगी तो हमें गिवन कंडीशन क्या है साइन इज़ पॉजिटिव अब ये देखें ये है ग्रेटर का साइन और ये है लेसर का साइन ग्रेटर का ये शो कर रहा है अब जिस तरह हमारे पास नंबर लाइन होती है यहाँ पे हम नंबर लाइन को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए चलें क्योंकि ये हमारे बेसिक्स हैं और ये हमें यूज होनी होती हैं नंबर लाइन के मिड में क्या होता है जीरो होता है और उसके राइट right साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं नेगेटिव नंबर लाइक माइनस वन माइनस टू प्लस वन प्लस टू एंड अप टू सो ऑन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे किसी भी चीज़ को हम कहते हैं ग्रेटर देन ज़ीरो इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव और अगर हम उसे कहते हैं लेस देन ज़ीरो इट मीन्स इट इज़ नेगेटिव क्योंकि हम नंबर लाइन पर देखते हैं क्योंकि इससे बड़ा होगा तो वह पॉजिटिव है जीरो से क्या होगा छोटा होगा तो ही नेगेटिव है इसका मतलब जीरो हमारा मेन पॉइंट है मिडल पॉइंट है जिससे हमें पता चल रहा है कि ज़ीरो से हम राइट साइड पर मूव करें फॉरवर्ड मूव करें तो हमें पॉजिटिव नंबर मिलते हैं बैकवर्ड मूव करें तो हमें क्या मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स तो यहाँ पे साइन अगर ग्रेटर है जीरो से इसका मतलब साइन क्या है साइन थीटा इज पॉजिटिव और टेन थीटा क्या है नेगेटिव है अब देखें क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ऑल फर्स्ट क्वार तो हमारा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्योंकि हमारे फ़र्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी ही वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं तो अगर साइन पॉजिटिव है तो टेन भी पॉजिटिव होता था हम आसानी से बता सकते थे कि कौन सा क्वाड्रेंट है ये क्वाड्रेंट वन है लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सिर्फ साइन पॉजिटिव है बाकी जो टेन की बात की जा रही है वो क्या है नेगेटिव है तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा ये हमारा बनेगा क्वाड्रेंट टू तो अब हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इन विच क्वाड्रेंट थीटा लाए थीटा लाए इन अब सेकेंड आप वर्ड्स uh, में भी लिख सकते हैं और वैसे रोमन में भी लिख सकते हैं इट्स अप टू यू इन द सेकेंड या सेकेंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉज इज़ नेगेटिव लेस देन ज़ीरो का मतलब भी मैंने बताया कि कोई चीज़ जीरो से लेसर होगी इसका मतलब है वो नेगेटिव को शो कर रही है कॉज इज़ नेगेटिव एंड साइन इज़ ऑलसो नेगेटिव अब देखते हैं वो कौन सा कॉर्डेंट है जिसमें कॉज भी नेगेटिव है और साइन भी नेगेटिव है फर्स्ट क्यों नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें सब पॉजिटिव होते हैं हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता सेकेंड पे आते हैं सेकेंड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा साइन नेगेटिव है थर्ड पे आते हैं थर्ड पे हम देखते हैं कि टेन के अलावा सारी टर्म्स क्या हो जाती हैं नेगेटिव अब टेन तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव टेन के अलावा सारी नेगेटिव होंगी तो यहाँ पे दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो ये हमारा कौन सा बनता है थर्ड लेकिन एहतियातन हम फोर्थ भी चेक कर लेते हैं फोर्थ क्यों नहीं है ये समझ लें क्योंकि यहाँ पे इसको कॉज को क्या होना चाहिए पॉजिटिव लेकिन वो क्या है नेगेटिव इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ वो थर्ड क्वारंट ही है जिसमें साइन भी नेगेटिव है और कॉज भी नेगेटिव है तो हम इसको मैंशन कर देंगे

क्योंकि दोनों जहाँ पे पॉजिटिव होंगे वो एक साथ होंगे जहाँ पे नेगेटिव होंगे वो भी एक साथ होंगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसका इन्वर्स तो इसका मतलब ये हमारा कॉज पॉजिटिव है और साइन क्या है नेगेटिव तो हमारा हम देख चुके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें हमारा कॉज क्या होता है पॉजिटिव कॉज पॉजिटिव है तो सिकेंड भी पॉजिटिव है ए भी नहीं हो सकता Uh, क्योंकि हमारा जो ए है वो फर्स्ट क्वारेंट में हो रहा है और इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं तो हमारा सेकंड भी नहीं हो सकता थर्ड भी नहीं हो सकता तो हमारा कौन सा क्वारेंट है हमारा क्वारेंट है फोर्थ थीटा लाई इन द फोर्थ फोर्थ क्वार देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉज इज़ नेगेटिव टेन इज नेगेटिव कॉज भी नेगेटिव है टेन भी नेगेटिव है अब कॉज और टेन कहाँ कहाँ नेगेटिव होते हैं उनको देख लेते हैं कॉज और टेन नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या थर्ड में होता है नो no. थर्ड में टेन पॉजिटिव है इसलिए थर्ड भी नहीं हो सकता और फोर्थ में कॉज पॉजिटिव है इसलिए ये फोर्थ भी नहीं हो सकता तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों नेगेटिव हैं वो है सेकेंड क्वाड्रेंट तो थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा थीटा इन द कौन सा क्वाड्रेंट है ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुसिकंड थीटा इज पॉजिटिव एंड कॉज थीटा इज ऑल्सो पॉजिटिव मतलब को सिकेंड का मतलब है कि हम साइन की बात कर रहे हैं साइन भी पॉजिटिव है और क्या है कॉज भी पॉजिटिव है तो वो कौन सा एंगल है साइन और कॉज दोनों पॉजिटिव हो अब देखें यहाँ पे साइन पॉजिटिव है कॉज नहीं है यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है यहाँ पे कॉज है साइन नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ पहला क्वाड्रेंट ही है जहां पे दोनों एक साथ पॉजिटिव हो सकते हैं तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा लाइ इन फर्स्ट लास्ट क्वेश्चन सो साइन और कॉज दोनों ही किस्में नेगेटिव होते हैं वो होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ टेन और उसका इनवर्स क्वार्ट ही पॉजिटिव होते हैं तो हम यहाँ पे मैंशन कर देंगे थीटा लाई इन द थर्ड कोआर्ड्रेंट ओके नाउ टू मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ते जाएं कि कौन कौन से हमारे जो हैंडोग्रोमेटिक फंक्शंस हैं है, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं जब उनके एंगल में नेगेटिव आ जाता है तो अगर साइन के एंगल में नेगेटिव आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है साइन है और जो चीज़ें हम साइन uh, कॉज और टैन के बारे में बात करेंगे वही उनके इन्वर्स पे भी ऑब्वियसली प्रूव होंगे कि वो भी उससे फुलफिल करते हैं साइन फिर कॉज फिर क्या है टैन अब साइन की क्या प्रॉपर्टी साइन की प्रॉपर्टी ये है कि उसके अगर एंगल में नेगेटिव साइन आ जाए तो वो क्या होता है उसे हम क्या लिखते हैं बाहर लिख देते हैं वो ओवरऑल नेगेटिव साइन में चेंज हो जाता है मतलब कि वो टर्म जो एंगल में है वो एंगल से कहाँ आ जाती है बाहर आ जाती है और पूरे फंक्शन के साथ ही वो नेगेटिव साइन हम लिख देते हैं लेकिन ये सेम प्रॉपर्टी हमारी जो है वो कॉज के साथ यूज़ नहीं होती कॉज के अगर एंगल में नेगेटिव साइन हो तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है और हम उसको ओवरऑल नहीं लिखते तो वो इसके इक्वल होगा कॉज थीटा मतलब कॉज ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा साइन ऑफ नेगेटिव थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा और टेन में क्या है कॉज और कॉज के इन्वर्स के अलावा सब पे ये नेगेटिव बाहर आएगा ये आप याद रखेंगे शॉर्टकट है जहन में रखने के लिए सिर्फ कॉज का रखें कि कॉज में ख़त्म हो जाएगा नेगेटिव साइन लेकिन कॉज के अलावा साइन है साइन का इन्वर्स को सीकेंड टेन है टेन का इन्वर्स कॉन इन चारों के चारों में क्या होगा नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ऑफ टेन थीटा ये अगर क्लैरिफाई हो चुका है तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमने वहाँ पर सिर्फ साइंस ही पुट करने हैं कॉज माइनस वन फिफ्टी डिग्री हमें हमने अभी देखा कि कॉज का जो नेगेटिव साइन है वो ख़त्म हो जाता है तो वो वहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आएगा तो हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे या अगर हमने साइन ही पुट करना तो हम कौन सा साइन पुट करेंगे पॉजिटिव साइन लेकिन अगर हम कुछ भी कोई साइन में नहीं लिखा इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव है ओके okay. उसके बाद क्या है साइन माइनस थ्री तो इसका नेगेटिव कहाँ आ जाएगा बाहर आ जाएगा तो हम इसको बाहर यहाँ पे लिख देते हैं ओके okay. अब टेन का भी बाहर आ जाएगा वो भी यहाँ पे आ गया कॉट का भी बाहर आ जाएगा वो भी यहाँ पे आ गया क्योंकि कॉट का क्यों आएगा क्योंकि कॉट इन्वर्स है टेन का तो क्योंकि टेन का आया तो कॉर्ड का भी नेगेटिव बाहर आएगा और वो पूरी फंक्शन का को नेगेटिव कर देगा अब सीकेंड क्योंकि इन्वर्स है कॉस थीटा का क्योंकि कॉस थीटा में ओवरऑल नेगेटिव साइन नहीं आता पॉजिटिव रहता है तो सीकेंड के साथ भी क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा इसी तरीके से कोसिकंड को देखते चलें कोसिकेंड माइनस वन थर्टी सेवन डिग्री क्योंकि कोसिकेंट है इनवर्स साइन का और साइन का ओवरऑल साइन बाहर आता है तो यहाँ पे भी हम साइन जरूर साथ लिखेंगे ये स्टूडेंट्स, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर फोर एंड क्वेश्चन नंबर फाइव नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स आज हमने क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव को सॉल्व किया इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टेक केयर सेल्फ अल्लाह हाफिज़